गीत गवाए यूनेस्को के लिस्ट में शामिल हो गल बा। आज ओकर छठा बरिस मनावत है जा और ई लिस्ट में शामिल होइला से गीत गवाए एगो विश्व धरोहर बन गल बा। मतलब कि एकर जन अहमियत है, जन महत्व है, वो पूरा विश्व खातिर बहुत ही अहमपोता है। और आज हमने देखत है जा कैसे जन समुदाय एकर जन ठेकेदार हवन जा, ट्रेडिशन बेयरर्स जी के बोली ला जा, प्रैक्टिशनर्स जी की बुरी ला जा, जे लोग एके निभावे लन जा, कितना जोश और उत्साह के साथ आज भी एके मनावत हवन जा। बल्कि उ लोग के ई बात के खुशी बा कि उ लोग के धरोहर आज एगो विश्व धरोहर बन गल बा। और ई धरोहर के संरक्षण खातिर सरकार, सब संस्था और जन समुदाय एक साथ मिल के काम करत हवन जा। और संस्था के जब बात करत है जा द नेशनल हेरिटेज फंड, आप्रवासिका ट्रस्ट फंड, भोजपुरी स्पीकिंग यूनियन, मतलब कि कला और सांस्कृतिक धरोहर के मंत्रालय के तहत जोन भी हेरिटेज इंस्टीट्यूशन आवेला ई जोन धरोहर बा ओकर संरक्षण खातिर कार्य करत हवन जा, एकर मॉनिटोरिंग करत हवन जा। और साथ में एगो हमनी के बहुत बड़ा साझेदार बा जोन है MBC। ई सब संस्था एक साथ मिल के ई बात के ख्याल रखत है जा कि ई जोन धरोहर है ओकर ओवर कमर्शलाइजेशन नहीं हुई, जोन से ऊ सकी अपन जोन ओकर मुख्य तत्व बा सकी खो देवे। और एगो दूसरा जोन खतरा बनल बाटे और हर एगो अमूर्त विरासत एकर सामना करेला, उ ई है कि समय के साथ हर एगो धरोहर जोन इंटेंजिबल हेरिटेज है उ बदलेला, ओकर में एवोल्यूशन आवेला। लेकिन एगो मुख्य बात के जोन ख्याल चाहे रखे के उ है आदर भाव। जहाँ तक कि ई जन समुदाय जे एके निभावेला, एके पाचके करेला, उ लोग के इजाजत रही, उ लोग के सहमति, उ लोग के समर्थन रही, हुआं तक सकबा एकर में हेर फेर आने, तब्दीली आने। लेकिन एकर जोन सीमा बा ओके पार करबा तो गीत गवाए के जोन मुख्य तत्व बा उ सकी खो जाए। और हमनी के एगो कटिबद्धता बा यूनेस्को के प्रति, हमनी के ई धरोहर के प्रति कि हमनी हर हाल में ई जोन धरोहर बा आवे होला कितने पीढ़ी तक एक जीवित रखब जा। और इस दिशा में आप देखत हवा कि पूरा देश संलग्न बा। और जब तक कि हमनी के देश में शादी ब्याह होते रही तब तक गीत गवाई होते रही, लेकिन गीत गवाए के चाही ओकर सही मायना, सही दायरा में रह के ओके जीवित रखे के और ओके पल्लवित रखे के। दादा दादा पुकारीला, दादा नहीं बोलेला, दादा बैसेला देवा घरवात, देवा के मनावेला। दादी दादी पुकारीला, दादी नहीं बोलेला, दादी बैसेला वंग गछियात, छकवे गिरावेला। प्रणाम सब कोई के, हमर जितना हमनी के महानुभाव लोग, आप बड़ा लोग के हम गोर लागत हैं और छोटकन लोग के दुलार बा। आज हमनी के बीच में छवां वर्षगांठ हमनी के मॉरिशस के भोजपुरी फोक सॉन्ग्स इन मॉरिशस गीत गवाए यूनेस्को में हो जा परी ओकर एस्क्रिप्शन हो रहल ले प्रीमियर दिस 1 दिसंबर 2016 में वही हमनी मनावत है जा परी। भोजपुरी स्पीकिंग यूनियन के 10 साल होल बा जब से बनल बाटे, और वो बनल बा तत्वावधान मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट्स एंड कल्चर पहले, और जब से श्री तिलक जी हवन प्रेसिडेंट मिनिस्टर तब से मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट्स एंड कल्चरल हेरिटेज। हमने के बिलों का है, हमने के कार्य जोन कर लीजा सब कोई जाने लगा, हम ऊपर नहीं जाए बोले ज़्यादा। लेकिन आवत बरिस गीत गवाई जे कोई जोन खोल लीजा उमें एक गो बा, वो 10 बरिस हो, और 10 बरिस में जब यूनेस्को में गीत गवाई एस्क्रिय हो रहा तो हमने पेश कर ली जा दोषे में हमने के नेशनल हेरिटेज फंड के संगे हम कंसल्टेंट रही विद डॉक्टर विजया तिलक एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस। वी बोथ वर्कड ऑन बोथ सेगा चिपिक एंड गीत गवाई दोषे,
और विद अप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड एज ए हेरिटेज साइट. तो वी हैव हमने के बहुत काम रहल करे के वर्कशॉप कर ली जा, तैयार कर ली जा, गिथारी लोग के सिग्नेचर ले ली जा, उन लोग के फोटो लिया, उन लोग के परल स्वीकृति देवे के टू यूनेस्को. देन यूनेस्को कंसल्टेड ऑल दिस एंड वी गॉट इंस्क्रिप्शन फॉर सेगा चिपिक फर्स्ट 2013, फिर 2014 में होल ऑफिशियली, और 2016 में पहला दिसंबर गीत गवाई के स्वीकृति मिलल एज ए नेशनल इंटरनेशनल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी. नाउ हाई इतना में कौन सी करी लजा अवेयरनेस क्रिएट करे के, ओके सेफ गार्ड करे के, ओके सुरक्षित करे के, तो एगो लेकुल खोल ली जा. हमारे सपना में आल एगो गीत गवाई, लोग बोले बुढ़िया लोग के लेकुल खोलत हुए, तो हम बोली हाँ बुढ़िया हुआ सा, लेकिन धरोहर बा उन लोग के दिल में, उन लोग के हृदय में बचा के रख ले हुआ जा. तो पेचिगाफे में मिसिस पुनीत के देख ली, उनका माँ गिथारिन, उनका मौसी गिथारिन, उनका नानी गिथार, उनका पर नानी, तो उसे एगो लेकोल से 80 गो लेकोल, 50 गो लेकोल ज़्यादा हो गए, और हई बरिस डागोचिया में और एगो लेकोल खोली जा. तो भोजपुरी गीत गवाई एगो संस्कार है, एगो रीति रिवाज है, और रीति रिवाज से जुड़ल है हर एगो संस्कार में गवाला, एगो विरासत है. अब हमनी के कौन इरादा बा एकर बाद, आवत बरिस अब कौन सी हो, 10 बरिस तो हो गए, अब एगो लैवते करब सा, जितना कोई गीत गावेला, कैसे गावेला, वो कैसे चलावेला, कोई ना स्ट्रीमों छविला, वो सब हमनी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट्स एंड कल्चरल हेरिटेज भोजपुरी स्पीकिंग यूनियन के आवत बरिस से करब जा. एक मतलब है कि हम अब बिगो में नहीं बैठब सा, जैसे बोला जा वर्क फ्रॉम होम ना, तो वर्क फ्रॉम होम नहीं, वर्क फ्रॉम ग्रास रूट्स, गाँव गाँव जाए, शहर शहर जाए सा, कोठी कोठी जाए सा, बैठका बैठका जाए सा, और गीत गवाई के साथ ओकर वेहिकल जो है भोजपुरी. भोजपुरी नहीं रही तो गीत गवाई नहीं रही. यूनेस्को पूछेला कौन भाषा में गीत गवाई गावे ला सा, क्रियोल में, अंग्ले में, फ्रांसे में, नहीं भोजपुरी में, न हिंदी में. तो वो हिंदी दोसिये में 10 गो पन्ना बा भोजपुरी के देवनागरी लिपि में, कैसे लिखा ला तब बोलक यूनेस्को लेकोल में चाहेला पढ़ाई के और नॉन फॉर्मल स्कूल में. तो ई दोसिये हुआ हमने सब सोशो कल्चरल लोग मिल करके सही कर ली जा, प्राइम मिनिस्टर के भेज ली जा, और लीला देवी जी के और श्री अविनाश तिलक जी के भी. तो ई पर सरकार काम करता लेकोल में, कैसे रीइंट्रोड्यूस करी भोजपुरी लैंग्वेज एज ए लैंग्वेज ऑफ मॉरिशस एंड द व्हीकल ऑफ गीत गवाई. नॉट ओनली दैट, एज ए लैंग्वेज टू एक्सप्रेस फीलिंग्स, थॉट्स, आइडियाज. आप लोग पूछबा जा 4 गो पुस्तक के लॉन्चिंग करत है जा आज, वो 4 गो पुस्तक आप लोग देखबा जा कि भोजपुरी ऐसा एगो भाषा है जेकर में वो शक्ति बा सब सोच और थॉट्स फिलोसॉफी के आने के. वो में देखबा जा कि हमनी के पहचान, हमनी के अस्तित्व, हमनी के सभ्यता बाटे. भोजपुरी में ढेर धरोहर बा, और लिखल भी बा जो न लिखल लोक कथा भी बाटे, कहानी खिस्सा. ओकर पर आवत बरिस एगो फिल्म बनावा जा, 3 गो फिल्म कंपटीशन कर दे ली जा. मोरिस में एगो 15 गो भोजपुरिया और नॉन भोजपुरिया लोग PhD कर ले हवन जा भोजपुरी पर और भोजपुरी में. हाँ ये बोला चाहें कि साइंस, मेडिसिन, कला, संस्कृति, सोशल लैंग्विस्टिक एनालिसिस सब भोजपुरी में ओकर बा. और हाल ही में मंत्रालय के तत्वावधान में मालकॉम दे शाजाल ट्रस्ट फंड, मालकॉम दे शाजाल जैसन विराट उच्च कोटि के फ्रेंच लिटरेटर पेट्रुस मॉक सबको जानी ला 1950 में जब लिखलन, हो जाके प्रेसिडेंट हमके बोलक जे सगबे भोजपुरी में मालकॉम दे शाजाल के तराजुआ करे के. हम तो डर गईली, कहाँ मालकॉम दे शाजाल और कहाँ हमनी भोजपुरिया कुटिया में रहे होला.
तो लेकिन हम उनकर उस साइड वाले दीपक के कुछ अंश ट्रांसलेट कर ली और बहुत सुंदर ढंग से ओकर फ्रेंच मालकम दे शाजाल के लिखल फ्रांसवा मिशे फ्रांसवा दे ग्रीवेल पढ़लक और हम बगल में भोजपुरी में ओकर ट्रांसलेशन पढ़ ली। कितना बहुत बड़ा बात है कि भोजपुरी हैज़ द कैपेसिटी टू गेट इन इट्स बेली ऑल द कल्चर्स एंड लिटरेचर ऑफ द वर्ल्ड। मॉरिस में सबसे बढ़िया हमार स्वागत भाईल होइल। हमार दिल गद गद हो गई। सच में मुझे ऐसे लगा कि शादी के बाद मैं पहली बार ससुराल आ रही हूँ। सच बोलूँ तो मेरे शादी के बाद भी ऐसा वेलकम नहीं मिला जो यहाँ पे आज आपके भोजपुरी सम्मेलन में मिला है। इसके लिए तहे दिल शुक्रिया आप सबको। और मुझे आज ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं इंडियन हाई कमिश्नर हूँ और कोई भाषण दे रही हूँ। सच में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने घर गई हूँ। मेरे चाची नानी दादी बहनें मेरी स्वागत कर रही हैं। मैं अपने परिवार के साथ हूँ। आज मुझे एक ऐसा भावना महसूस हो रहा है और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। 6 साल पहले इसी दिन को 1 दिसंबर को यूएन में यूनाइटेड नेशंस में गीत गवाए का ऑफिशियल एक रिकग्निशन हुआ। और ये आसान काम नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय संघ में कुछ भी कराना है मतलब बहुत साल लगते हैं, बहुत मेहनत लगती है। और मैं जानती हूँ अभी सरिता बुद्धू जी यहाँ बैठी नहीं है लेकिन इन्होंने 4 साल खुद इस पे काम किया था। और यहाँ माननीय मंत्री जी बैठे हैं अविनाश तिलक जी। इनका जो मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट्स एंड कल्चरल हेरिटेज इन्होंने भी शिद्दत से लगातार काम किया तब जाके ये उपलब्धि मिली है। हम ये न भूलें ऐसे ही अपने आप में नहीं हुआ था। बहुत कठिन परिश्रम और उससे भी महत्वपूर्ण बहुत शिद्दत से ये काम किया गया था। और मैं क्यों अपना भाषण इन शब्दों से शुरू कर रही हूँ क्योंकि गीत गवाए भारत की है, भोजपुरी भाषा भारत की है और मॉरिशियस ने इसको यूएन में रजिस्टर कराया। इससे बड़ी बात क्या होती है? आप सोचिए, एक मिनट सोचिए, जो हमारे मेरा देश भारत देश का एक भाषा है, एक संस्कृति है, एक डांस फॉर्म है, म्यूजिक फॉर्म है, वो दूर का एक टापू मॉरिशियस ने पूरा न्यूयॉर्क तक पहुंचाया और पूरा जन्नत में इसका एक नाम आज बनाया है। उसके लिए मैं बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद कहना चाहती हूँ। जब हम लोग कहते हैं दैट इंडिया एंड मॉरिशियस आर टू कंट्रीज बट वन पीपल, ये खून का रिश्ता है, ये कोई डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप नहीं है। हालांकि इस साल हम 75 साल मना रहे हैं हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस के, ये जो रिश्ता है उससे परे है, उससे बहुत गहरा है। एक खून का, एक आत्मा का, एक दिल का रिश्ता है ये। और जब आज मैं यहाँ खड़ी होती हूँ आप सबके सामने इस दिन को मनाते हुए तो मुझे इस बात की दोबारा याद आती है। और इधर ही पास में वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटेरिएट है, उसको भी जब भी मैं देखती हूँ मुझे यही भावना होती है। हिंदी हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज है भारत देश का, लेकिन विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशियस में है। तो भाइयों बहनों, गीत गवाए सिर्फ गीत नहीं है, गाना नहीं है। जैसे सरिता जी ने कहा अभी, ये हमारी अस्मिता है, हमारी पहचान है, हमारे संस्कार का धरोहर है, ये एक सभ्यता है। और यूनाइटेड नेशंस ने यही कहा कि ये कोई डांस गाना नाच या उनके शब्दों का ऑफिशियल रिकग्निशन नहीं है। उन्होंने कहा सरकारों को
और आप जैसे लोगों को मिलकर इसका प्रिजर्वेशन और प्रमोशन करना है, क्योंकि एक सभ्यता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचानी है हमको। इसीलिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मॉरिशस गवर्नमेंट का, क्योंकि आज 51 गीत गवाए स्कूल है इस देश में, जो बहुत बड़ी बात है। और सरकार के अलावा आप सब ने मिलकर इसको चलाया है, क्योंकि ये जो स्कूलें हैं ये वॉलंटरी हैं, ये समाज सेवक लोग चला रहे हैं, आप जैसे लोग जो लोग यहाँ बैठे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली संस्कृति हम से पलता है और पोषित होता है, सरकारों से नहीं। और इसके लिए मैं एक और बार आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मैं कहना चाहती हूँ कि कुछ दिन पहले मंत्री जी भी थे मेरे साथ, हम फुलियार गांव में गए, ये जो अप्रवासी घाट दिवस था उसे एक दिन पहले अप्रवासी दिवस मनाने गए, और वहाँ पहली बार मैंने देखा गीत गवाए जो गांव के लेडीज़ हैं, जैसे भारत में हम करते हैं ऐसे ही चम्मच से, हाँ, ढोलक से, लोटा से, चिमटा से म्यूज़िक बजाकर गा रहे थे, ठीक उसी तरह जैसे सालों पहले बिहार में भोजपुरी बोलने वाले करते थे। अब आज तक यहाँ पे मॉरिशस में आपने इसको कायम रखा है, इस संस्कार को, इस ट्रेडिशन को अभी भी रखा है, और मुझे कोई डाउट नहीं है कि यूनाइटेड नेशंस के सपोर्ट से, सरकार के सपोर्ट से, और सबसे इम्पॉर्टेंट आप सबके सपोर्ट से ये ऐसा ही चलता रहेगा। आपकी बेटियां भी ये गाना गाएंगी, और भारत में, मॉरिशस में ये गीत गवाए का जो संस्कार है ये कायम रहेगा। आज हम कुछ 4 किताबों का भी लॉन्चिंग कर रहे हैं, ये देख के मुझे खास खुशी हुई, क्योंकि ये सिर्फ सभ्यता और संस्कृति का एक व्हीकल नहीं है गीत गवाएं, भोजपुरी भाषा का भी एक व्हीकल है। इसके ज़रिए आपके बच्चे भोजपुरी सीखेंगे, और भोजपुरी एक भाषा है जो ऋग्वेद के ज़माने से चला आ रहा है। अगर आप ये गीत गवाएं का लिरिक्स देखेंगे, जो शब्द है इसमें किस चीज़ों के बारे में बात करते हैं, वो बात करते हैं समाज में प्यार से रहना, परिवार में कैसे प्यार से सदस्य रहें, ये सारा जो यूनिवर्स कहते हैं भूमंडल, इसको कैसे रेस्पेक्ट से करना है, एनवायरनमेंट के साथ कैसे रहना है, ये सारे जो मूल्य हैं ये भाषा के ज़रिए हमारे जवान पीढ़ियों तक पहुँचे, क्योंकि यही सच्ची लर्निंग है। एक शाल मान्य के नाम से एक बहुत जाने पहचाने आदमी थे, बहुत साल पहले उन्होंने एक बहुत सुंदर बात कही, टू हैव अनदर लैंग्वेज इज टू पोसेस अ सेकेंड सोल, क्योंकि भाषा आत्मा तक छूता है। दो लैंग्वेज को जब आप कनेक्ट करते हैं तो दो दिलों को आप कनेक्ट कर रहे हैं। नेल्सन मंडेला जी ने एक बात बोली थी जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, उन्होंने कहा था, If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his own language, that goes to his heart. जो बोली हम बोलते हैं घर में, उसमें अगर हम किसी से बात करें, उसका एक परिणाम अलग सा होता है। And finally, I want to say a big thank you to our one woman army. मैंने सरिता बुद्धू जी का ये नाम रखा है, वन वुमन आर्मी, शी इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ वन पर्सन कैन चेंज एवरीथिंग। सो थैंक यू सरिता जी, एंड आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आप दोनों महादेवियाँ सम्मानित कर बजा श्रीमती डॉक्टर अंजनी मर्दन जी के। डॉक्टर अंजनी मर्दन जी, आप मंच पर आ जावा, आपके अपन PhD संपन्न करे के खुशी में भोजपुरी स्पीकिंग यूनियन तोहरा सम्मानित करता एगो शॉल से। सबसे पहले तो जो आपके थीसिस बा,
पीएचडी थीसिस ई खुशी में ई थीसिस के लॉन्चिंग हुआ था एगो मिनी लॉन्चिंग हमें के महानुभाव भी ई लोग के साथ देवा थवन जा तो हम एगो लीव निकाला थे आवत बरिस लॉन्चिंग है तो वो एगो पीएचडी थीसिस है एगो रिसर्च करनी हम वैसे तो हम फ्रेंच पढ़ाविला हमें फ्रेंच टीचर तो हम लिखनी एगो रिसर्च करनी छः बरिस हो गल करते इंटरव्यू सब हो तब जाके ई पुस्तक अन्नी वो फ्रेंच में लिखा बा तो हम तो लोग के बोलब कौन सी रिसर्च बताइले बा तो ढेर चीज लोकल दुगो चीज प्रमुख बा वो हम तो लोग के बतावेला हबी तो पहला चीज है कि जन लैका लोग बा वो लोग भोजपुरी नहीं बोलत हों जन 10 साल के बा कि मैम 15 ans के बा वो लोग लैका लोग भोजपुरी से नेट नहीं जाने लन से बोली तो हम रिकमेंडेशन कर रहे हैं यह कि हमने के चाहिए तो रिसर्च वो कहा है कि एगो 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 देश में ढेर भाषा रहेला तो दो तीन गो भाषा रही तो कौन कौन सी होला ऐसा ऐसा भाषा जो हमने के पुरोहर के भाषा है ancestral minority languages के वो लोग की कौन अति है तो हम रिकमेंडेशन कर रहे हैं कि दादी नानी सब कोई के जाना कौनसी करके भोजपुरी बोले के दूसरा चीज इम्पोर्टेंट है कि सबके बोले ला नहीं तो भोजपुरी में ढेर एतरांजे मोबा क्रियोली मोबा तो वो कोई बात नहीं ऐसे देख बा तो ऑंग्ले में भी संस्कृत के शब्द बा तो ऑंग्ले लोग नहीं बोले सा कि हमने ऑंग्ले नहीं बोलब सा कि खातिर कि संस्कृत के शब्द बा नहीं वो लोग अपन अपन बोली नहीं मन से रखे लन सा तो हम यो के छाला मैम सी ढेर क्रियोली शब्द बा कोई बात नहीं हमने कौनसी करब सा ये भाषा के जिंदा रखे के इतना वे हमें रिकमेंडेशन बा अरे तो लोग के सहायता चाहिए बहुत धन्यवाद नमस्ते लेडीज एंड जेंटलमैन आई नाउ हैव द प्रिविलेज टू इनवाइट ऑनरेबल अविनाश तिलक मिनिस्टर ऑफ आर्ट्स एंड कल्चरल हेरिटेज टू एड्रेस द ऑडियंस मेरा तो भोजपुरी बिल्कुल ख़राब है तो मैं कोशिश करूँगा थोड़ा सा भोजपुरी में बोलने के लिए थोड़ा सा हिंदी में थोड़ा सा क्रियोली में तो जो हो सकेगा मैं करूँगा बधाई देता हूँ सरिता बुद्धू जी को भोजपुरी स्पीकिंग यूनियन को आज के इस कार्यक्रम के लिए छः साल हो गए अब जब से हमनी के गीत गवाए वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंस्क्रिप्शन हुआ वो जो गीत गवाए जो वांद्रे जी के मौयाज में हम सुनीला When I was a kid, I used to participate as well. I would dance, not as well as our dear ladies, our dear guitarists, but we will try to attempt. It was part of our culture. It is part of our culture. We have grown up listening to Geet Gawai. And that particular tradition that we live on Friday nights during weddings, today has been brought to the world and inscribed as a world heritage. Maybe at times we undervalue the meaning of being inscribed as a world heritage. Maybe we undervalue what has happened 6 years back at UNESCO. Maga leta hon me kun shabno krioli me beulunga. Peut-être des fois nous pas réaliser qui veut dire l'inscription de Geet Gawai comme un patrimoine mondial de l'UNESCO. Une tradition qui tout le temps nous guette ben dadi nek pe danser avec dholak, avec tous les instruments,
c'est qu'ils ont qu'à préserver, ils ont vini. Sa tradition là, aujourd'hui. Pas Maurice, pas Islen. Le monde reconnaît lui aujourd'hui. Et ça, c'est une grande, grande affaire, ça. Surtout, as Her Excellency has mentioned, this came from Mauritius is even more symbolic. When we talk about transmission, quand nous causons passation de même tradition, from Bihar, India, it came to Mauritius, and from Mauritius to the whole world. Ça qui appelle passation de la tradition, la préservation, la promotion. Et aujourd'hui, mon bisin félicite Bhojpuri Speaking Union. Parce que ce n'est pas juste Bhojpuri Speaking Union qui bisin célébrer l'inscription. Ou ça ouvert Guide Gawai sur l'école. Mon pensée, nous tous nous avons nos responsabilités là-dedans. Et pour cela, ça là quand on fait mention que bisin fait l'inventaire l'année prochaine. We need to do an inventory. We need to look into how to further promote and preserve this very valuable cultural heritage. Moi, je pense que le ministère bisa rentre là-dedans de plein pied maintenant. Il n'est pas suffisant que ça mène l'école là opérer sans être payé d'une manière volontaire. We need to sit and see how to bring funding to these schools, to bring funding to all the participants, and also to remunerate to some point, to some extent, the Gurwains. C'est important cela. Si nous venons nous faire un discours, nous dire nous pouvons la promotion, nous pouvons la préservation, si moi, comme le ministre de tutelle, je ne pas prendre une action, je ne pas prendre l'initiative pour nous prendre une mesure nécessaire pour nous assurer que, down the line, you are here today. The President of the Republic is here today. I'm here today. We might not know who is there tomorrow, whether they will be as motivated as us to preserve this tradition. What will happen then? It will get eroded. Pour une érosion de sa même valeur là, pour une érosion de sa même tradition là, encore ça, il est important que vous pensez. We need to sit and think profoundly on how to invest on the sustainability of these schools. C'est important. Je ne vais pas être long, mais je vais terminer loin des affaires. Vous connaissez, when we talk about Guide Gawai, il y a deux choses. Dougo Tijba. Ego, okar bhasha. Je Bhojpuri ba, et ça c'est pour la promotion ENA, Bhojpuri Speaking Union. Là, le directeur général de MGI, il y a un dictionnaire qui peut travailler au Bhojpuri. Il est important ça, qu'ils ont dit qu'ils sont capables d'un dictionnaire au Bhojpuri. Nous sommes capables aujourd'hui d'apporter beaucoup plus de flèches, comment nous dire, to the preservation of Bhojpuri. It's good. Nous préservons d'une manière orale. Nous préservons parce qu'ils nous ont encore causé dans la case, nous ont encore causé dans ben sabha, mais il l'air pour donner beaucoup plus de pesant estia. Zodi, peut-être si tu fais ça depuis bien longtemps, capable au ministre là qu'il tient, tu peux causer Bhojpuri fluently. Ça ben manque là nous bizarre qu'à corriger aujourd'hui. Et là ben travail qui finit commence faire. His Excellency the President, Prithviraj Singh Rupanji, il fait un travail au niveau Bhojpuri Speaking Union, au niveau ministère, qu'ils ont dit qu'ils allaient continuer avec ben les autres stakeholders. Moi, je dis qu'ils apportent beaucoup plus de pesant à ce qui nous peut faire avec nous langue. Bhojpuri, il n'est pas seulement qu'il tire, il y a une langue. Bhojpuri is a language that we need to value. Si nous-mêmes nous commençons à causer comme ça, mais les autres qui vous causez, nous, we have to acknowledge it's a full-fledged language that we need to give it all, tout l'estime et tout le respect qu'il y besoin. Alors, je félicite MGI qui peut venir de l'avant avec sa dictionnaire-là. À partir de là, je pense qu'il y a beaucoup d'affaires qui peuvent déclencher en termes de la promotion et de la préservation de Bhojpuri language. Deuxième aspect qui est important avec Guide Gawai, c'est bien sûr sa tradition, comment nous connaissons, nous vivons. Aujourd'hui, il y a deux types de guides gawaï qui pratiquaient Maurice. Un, c'est qui ont enseigné dans l'école,
traditional raw true to the values et un deuxième guide gawaï qui pratique este de ben moyaz ce qui nous trouve moderne avec nouveau instrument nouveau cadence nouveau la musique alors et une certaine évolution qui nous commence à connaître dans guide gawaï nous pour bien capable nous guetter un côté ski qui nous inscrire qui nous protéger au niveau l'UNESCO et assurer qui peine en altération that the tradition the practice the way it's meant to be practiced is not altered from what we have inscribed at the level of UNESCO. Ça c'est un travail qui bisait commence faire si on a pour faire ben workshop bisait faire si on a pour faire un répertoire de tout ça ben di moun qui a petit sans de moyens là surtout ben nouveau qui émerger bisait faire c'est là pour faire ben formation aux autres bisait faire but we need to be true to our culture and to our tradition that is why c'est là pour assis avec eux faire ben formation avec nous design suffisamment ben guitarine qui forme les autres service pour nous apporter beaucoup plus de cohérence in the way we practice, in the way we live our tradition. Et la tradition guide gawaï, il mérite tout. Il y a toutes ces raisons pour nous protéger, pour nous promouvoir et pour nous garder bien vivants. Ciao, Boris Pelé. Hayedin, le 1er décembre, Hamnike Bhojpuri, le guide, Hamnike guide gawaï, के एक बहुत बड़ा स्थान देनी सा जब एगो कॉन्फ्रेंस हाल इथियोपिया में हो जा गीत गवाय के इंस्क्रिप्शन हॉल जमे ऊ अब से एगो रजिस में ओकर डलनी सा जो अंग्रेज लोग बोले सा इनटेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज तब से ये गीत गवाय सिर्फ मोरिस के नहीं है सिर्फ जोन भोजपुरी बोलिए उड़क के नहीं है ये सब विश्व में ओकर एगो इज्जत मिलल बा और हमनी रहब सा कि नहीं भोजपुरी जीवित रही कहे Parce que job inscription holba, tab le Maurice ego responsabilité le lan, ego zimodari le lan, ki kam karyan, ki okar barawa kareke. Isi age tolo ki pari jane ke, ki ego bahut bara kam shuru ho rahal. कला और संस्कृति मंत्रालय और मॉरिशस में जितना हमनी के भोजपुरी विद्वान हवन जा जैसे कि डॉक्टर सिराई ताबुडू एगो मजबूत दुशे बने लन जा गीत गवाय के सब इतिहास लिख लन जा हमनी के बड़ा आदमी और बुजुर्ग लोग के संगे बात कर लन जा सभी गीत गवाय के पर डिटाइल बतौर के इंटरव्यू हॉल वीडियो एनरजिस्टर हॉल तब सब यूनेस्को ला फ्रांस में बिदा हॉल हाउ जा बोल दी सा कि गीत गवाय एक मानव जाति के एक बहुत बड़ा ट्रेजो है जो कि परी बचा के रखे के देश विदेश के सब बड़ा विद्वान ऊपर काम कर लन सा दो तीन हाला कमिटी में पासे होल सब कोई के बुझाल हाँ गीत गवाय के परी संभाल के रखे के प्रिजर्वे परी करे के तब अंत में 2016 में इंस्क्रिप्शन होल बाती सिर्फ इच्छो लग बगल इंस्क्रिप्शन हो गल अब हमनी के प्रिजर्वे परी करे के हये कर रहे सभी एक्टिविटी होवता कार्यक्रम होवता वर्कशॉप होवता
जमे भोजपुरी के और मजबूत सकब से बनावे पस की यूनेस्को हरदम हमनी के से रापो मांगेला हर साल दो साल परी सरिता बुडू के मिनिस के परी जनावे के हो जा कौन काम होवता कैसे जाता प्रमोशन भोजपुरी के मैं समझ सकब बोले कि हम एक आगे मिनिस्टर नहीं कला और संस्कृति मंत्री हम सकब बोले कि ढेर काम होवता होवत रहल भोजपुरी स्पीकिंग यूनियन के द्वारा याद बा हमरा कितना हम भोजपुरी गीत गवा स्कूल खोल दीजा उस समय एक दू गो रहल प्रेमी रहल चिराफरे में अभी अभी जब गणबत कितना हो गल 51 हो गल थोड़ा बोलब सर कितना प्रोग्रे करनी सा गमात के ट्रेनिंग स्कूल खोलल बाते दीदी सारिता के याद हो एगो ट्रूप विदा करनी सा लेजिप एगो बड़ा हो जा इंटरनेशनल इंटरनेशनल ड्रम फेस्टिवल में भाग लेलर रलन हमनी के गिटारिन है जा कोई के का बोलब टेलीविजन में पासे हो रहा सा कोई के शादी के मांग हाल है सब होल बा हो जा हरदम हजा भोजपुरी महोत्सव होला गिटारिन लोट के वर्कशॉप नाटक होला याद बा सरिता बुरु लेनो में करनी सा भोजपुरी के बढ़ावा देवे के और रहल भारत से आ रलन एक्सपेयर संगे काम होई होल और हमरा याद बा सरिता बुरु से बोलनी माफ कर जा तू लोग खाली बुढ़िया लोग के का जवान लोग के परी बोले के भोजपुरी तब एगो 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 कार्यक्रम हो रहा भारत में हम रनी मिनिस तब सरिता बुजू से बोलनी हमरा परी एगो ग्रुप विदा करे के मिसलमा हमरा परी जवान के विदा करे के जैन लोग के परी विदा हो रही तब देखनी सा कि कॉलेज में एगो कोंकू हो रहल तब हिंदू गर्ल कॉलेज के पहला प्रीमियरल जी हिंदू गर्ल कॉलेज करलन एगो कोंकू कॉलेजियन लोग के तब हौजा जोन के मिलल रहल प्रीमियर प्री तब मिनिस्टर बगल से उलो के विदा करनी सा एगो टूरे करे के दीदी रहन संगे सविता रविता सोले एगो रिस्पॉन्सिबल रहलन है जे गमात उत्सव हमनी कर हैजा तरह तरह के प्रोग्राम अभी ले हमनी करत हैं सर एगो हाल के बाद बोलब तो लोग के सरिता बुडू आल हमरा लिखे बोलन हमरा आगे दो तीन चार बरिस आगे एगो जिक्शनेय पर काम हुआ रहल एमजीआई में उ तब ओकरा कुछ नहीं बुझाल काबा कौन ची होता कौन ची नहीं तब ओकर लेंडेमे प्रीमियर मिनिस्टर आल हमारे यहाँ तुरंत ओकर से बोनी जानी ला ऐसा ऐसा काम बा सरिता बुडू आल हवन बोलत हवन के गो जिक्शने के रहल कुछ नहीं बुझा तो उ बोलंग हमके कि परी देखे के
तब बोलनी ओकरा काका न करतु हम ही टेलीफोनी करब तब भाई राम प्रताप के टेलीफोनी करनी तुरंत ही बोलनी देखत है कु का होल ऊपर काम होवा था कि नहीं सिर्फ नहीं पूछनी इनकरा से पूछा हरदम ओकरा टेलीफोनी करी ला बोली बोला कहाँ कहाँ बा कमवा होवा था कि नहीं हमर उ बोलन कि सब जो दोषी रहल भारत में विदा होल हौजा एगो काम करता कमवा लगभग समाप्त हो गल भी और देखब सर कितना लेता ले मिसे माँ निश्चय हमने की जानी ला जानी रसा कि एगो डिक्शनरी आज न तक परसों हमने के मिली एगो डिक्शनरी जमे हमी सकब सा उमें देखे के कौन ई अंगले के मो भोजपुरी में ओकरा कैसे परी बोले के एगो दूसर चीज बोलब तो लोग के राज राम प्रताप के बोलनी आगे रहल एगो जाने ला जाना जब शादी विवाह होबे लंसा परचावन के गीत रहल हरदी के गीत रहल ई 1980 में एगो कैसेट एमजीआई निकले रहल लंसा याद बा सुचिता रामजीन है सब निकले रहल लंसा तब बोलनी एगो दूसर परी करे के नुवो ई में काम अभी होवता तो हमने के गीत गवा जो रहल आगे फिरो से एगो नुवो कैसेट निकली हम देखे में कुछ कोई बोला रहल लंसा कि लिकुल में परी भरावे के भोजपुरी है ये पर जानी ला कि मिनिस्ट्री एजुकेशन एमजीआई सब काम करे था वंश कि एगो दूसर टेक्स्ट बुक निकली जमे सकब सब पढ़ावे प्रीमियर प्री प्रीमियर में सब है जो काम होवा था अभी ये अभी नहीं शुरू होल बा अगर गीत गवाई जीवित बा अभी के रिस्पॉन्सिबल बा हमनी के पूर्वज लोग कितना बड़ी से हमी के मेहनत करके कठिनाई से एकर बचा के रखलन सा संभल के रखलन सा तब हमनी के लोकाजो मिलता ई सब काम करेगी जितना काम उ लोग करन सा ओकर एगो बुझ न सकब से करे अभी ई पर तुरो की परी बहुत ध्यान देवे के कितना उस समय के कितना डिफिकल्टी रहल है सब न रहल टेलीफोन डिक्शने है सब न रहल फिर भी भोजपुरी के इज्जत दिले हो जा मैं समा एगो चीज परी याद करेगी गीत गवाए जब गईबा अंग्रे में नहीं गईबा फ्रांसे में नहीं गईबा भोजपुरी में गईबा तब हमनी के परी भोजपुरी के प्रिजर्वे करे की आगे तब गीत गवाय प्रिजर्वे होई इस अकब बोले कि कला और एवं सांस्कृतिक धरोहर मंत्रालय ई पर काम करता भोजपुरी स्पीकिंग यूनियन बा भी ई पर भोजपुरी के प्रमोशन होवता हरदम ये काहे बोलत है गीत गवाय और भोजपुरी एक ही गोहा बिना भोजपुरी गीत गवाय न सकी हो गई हमने को तीन गो लैंग्वेज के बतावे के बा संगी हिंदी भोजपुरी और संस्कृत तीनों त्रिवेणी भोजपुरी कोई तो हिंदी लेकोल में पढ़ावे लंस अभी भोजपुरी अभी लेना है पढ़ावे लंस देखा आप सकून ची जो विद्वान बा हिंदी के ढेर बा ऐसे उन लोग के परी अब संस्कृत परे के ऐसे सकब सा तीनों के संगे ओकर ओकर प्रमोशन करब सा ये हमार प्रार्थना है तुलोक सब के जाने ला एगो
लिचुड होल बा यूनेस्को बर उमें लिखल बा जब खाली दादा दादी लोग एगो लंगा बतियाजन सा मान लो कि लड़का लोग समझी और नहीं बतियाजन सा तब नाती पोती तन को नहीं जन सा जब तू बतियाइबा तोर लड़का संगे बतियाइबा ओ अपन लड़का से बतियाई तब ट्रांसमिशन होई तब इस एफोर्ट पर ही हमने सब कोई के करेंगे ये मांग करते हैं ऐसा तू लोग के सभी के करिया जा जितना सकब करे अंग्रेजी में बोले ना ना प्रैक्टिस मेक परफेक्ट शुरू करा तब ओ आई बस हम मिनिस्टर बोला था लान कि ओकरा याद बा कि सुख के गीत गवाई में जा रहा है मैं परी जाने कि गीत गवाई हाँ हमने सब कोई जब गीत गवाई याद होई तब बोला सा शादी में प्रवचन आरती सब में गो गीत गा मैं समझ गीत गवाई सिर्फ शादी के लेता में नहीं नहीं बा जब पानी नहीं गिरी एगो हर पर रवनी बा जब लड़का के निशांस हो तब ललना बा ढेर ऐसा गीत बा दूसर दूसर सियाकोंसेंस में तरह तरह के गीत बा हर सब के परी हमनी के प्रमोशन करेगी तब ये जो भोजपुरी के जिम्मेदारी लेनी सा यूनेस्को बगल के ये सकब सब बोले हाँ हमने उस जिम्मेदारी अच्छा से रेस्पेक्ट करते हैं सर मैं समा एगोची बाब सावधानी परी रखे के कि गीत गवाई हमने के संस्कार है ये पर ध्यान बा करे के जैसे दीदी सरिता बुढ़ी बोले लन कि भोजपुरी ऋग वेद से आल हवन गीत गवाई ऋग वेद के लेपोक के हा कितना बड़ी आगे ओकर एको रिस्पे परी हमने के रखे के उमे जैसे एको प्रार्थना होई जैसे कि एको ऊपर तनिसन हमने के परी उतना आला लीजिए नहीं परी लेवे के ओकर इज्जत हर दम हमने के परी करेगी अभी जब बोलनी जब एगो जोशी विदा होल बा यूनेस्को उमें सब डिटेल लिखल बा कैसे परी करे के कौन सी कैसे रहल रन उमें हमने बोलनी सा कि भोजपुरी जो ऑथेंटिक है टिपिक ऊपर हमने के परी पोतिजे करे के वो भोजपुरी टिपिक ऑथेंटिक जैसा सेगा भी हमने विदा करनी सा सेगा टिपिक वो में लगी था वो सब नहीं बा वो में जंबे नहीं बा ये में बा ढोलक दो तीन गो लिंस्ट्रूमेंट बा वो है ओरिजिनल गीत गवाई ये पर हमने के ध्यान परी करेगी उमे मान लो कि एगो जलसा नहीं है ये एगो प्रार्थना है तरह तरह के रिस्पे परी देवे के और अब बुक लॉन्च भी बा वो बुक लॉन्च के ओर बढ़ब जा सबसे पहले बुलावत है जा श्रीमती योगेश्वरी झिंगन जी के श्रीमती योगेश्वरी झिंगन जी एगो किताब लिखले हवन हमने के पूर्वज हमने के बोली मंत्री जी इनकरा एगो गुलदस्ता से सम्मानित करत हवन सबसे पहले इनकर किताब के विमोचन होई ई किताब के शीर्षक है हमने के पूर्वज हमने के बोली हमने के गणमान्य अतिथि द्वारा गणराज्य के राष्ट्रपति
और मंत्री जी द्वारा ई पुस्तक के विमोचन हुआ था। योगेश्वरी जिंगन जी हिंदी में मास्टर्स करले हवन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से और 1975 से उस शिक्षण के क्षेत्र में हवन। ई पुस्तक खातिर बहुत बहुत बधाई। और बधाई के रूप में आपके एगो गुलदस्ता, एगो शील्ड और एगो शॉल प्रस्तुत करा जाता। योगेश्वरी जिंगन जी के आभार और बधाई के रूप में एगो शील्ड भोजपुरी स्पीकिंग यूनियन की ओर से। से आप शिक्षण के क्षेत्र में हवा और 2009 में आप डेप्यूटी हेड टीचर बनला और फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के पेडागोजिकल पैनल में भी आप संलग्न हवा, अपन योगदान देले आवत हवा शिक्षण क्षेत्र में। और आज ई पुस्तक के विमोचन के अवसर पर आपके बहुत बहुत बधाई। और अब हमने के एगो दूसरा लेखक हवन, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती जी, श्रीमती जिंगन जी। और हमने के दूसरा जन लेखक हवन उ हवन श्री महेश राम जावन जी। श्री महेश राम जावन जी आप मंच पर चलावा। आप लिखले हवा मॉरिशस के 8 भोजपुरी रंग एकांकी। आपके भी पुस्तक के विमोचन हुआ था आज देश के महानुभाव लोग के द्वारा। ई जोन पुस्तक है एकर में संकलन बा, एकांकी के संकलन। और ई संकलन लिखले हवन महेश राम जावन, धन नारायण जीवत जी, जगदीश ओजाइब, सुदेश कुमार किसना, अमावती गनौरी, धनराज शंभू, राजेंद्र प्रसाद सदा सिंह और दिवंगत श्रीमती सीताराम याद। ई पुस्तक के विमोचन खातिर आपके बहुत बहुत बधाई महेश राम जावन जी। और जितना कोई, जितना आज व्यक्ति ई में लिखले हवन जा, आप लोग के भी बधाई। ई पुस्तक बहुत जल्द बाजार में आपके उपलब्ध रही। और बधाई स्वरूप भोजपुरी स्पीकिंग यूनियन के ओर से आपके प्रदान करल जाता एगो शील्ड, एगो बुके, एगो गुलदस्ता। और अब हमने के बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी, आपके सम्मानित करा था वन एगो शॉल से। और अब आमंत्रित करब जा मंच पर हमने के तीसरा जन लेखक हवन डॉक्टर विनय सी तिजोरी जी। डॉक्टर विनय सी तिजोरी जी आपके किताब के विमोचन आज करल जाता आर आरोग्य जीवन और सहज स्वास्थ्य। आरोग्य जीवन और सहज स्वास्थ्य आपके परिचय में महामहिम बोलन श्रीमती सिंघला बोलन, महामहिम श्री रूपन जी बोलन कि वाजा FM पर कोविड के अंतर्गत आप बहुत अच्छा अच्छा सलाह दिला। ई सब सलाह के संकलन आप एक किताब में करत हवा जेकर विमोचन आज हुआ था। बहुत बहुत बधाई श्री विनय सी तिजोरी जी। आयुर्वेद रत्न हवन और नेचुरोपैथी और योगिक साइंस में वो बहुत ही कुशल हवन। और आपके ई पुस्तक विमोचन के मौका पर भोजपुरी स्पीकिंग यूनियन के ओर से बधाई के रूप में एगो गुलदस्ता देवल जाता, एगो शील्ड भी और एगो शॉल। मंत्री जी शॉल से आपके सम्मानित करत हवन, डॉक्टर सरिता बुद्धू जी सम्मानित करत हवन। जोन 51 गीत गवाए स्कूल बा, सब स्कूल के जोन निर्देशक निर्देशिका हवन जा, उन लोग के एगो प्रमाण पत्र देवल जाए। प्रतीकात्मक तौर पर आज श्रीमती धनदेवी पुनत जी के एगो प्रमाण पत्र प्रदान करल जाता भोजपुरी स्पीकिंग यूनियन के ओर से। तो गणराज्य के राष्ट्रपति और हाई कमीशन ऑफ इंडिया से श्रीमती सिंघला जी सम्मानित करलन श्रीमती पुनत जी के। बहुत बहुत धन्यवाद।
माननीय मंत्री श्री अविनाश तिलक जी के उपस्थिति में और देश के गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम श्री पृथ्वीराज रूपन जी के उपस्थिति में और साथ में भारतीय उच्चायोग श्रीमती नंदिनी सिंघला जी के उपस्थिति में आप सब कोई के बहुत बहुत बधाई। गीत गवाई यानी कि हम गावा तो लोग साथ देवा जा छोटा से लेके जहाँ तक सकब जाया तबले हर एक पड़ाव में हमें के वो गीत गवाया। गीत गवाए यानी कि परंपरा जीवन में हर एगो पड़ाव पर हर एगो परंपरा रहला उनकरा जीवित करे के और हमें के लैका लोग के सिखाए ला जा कि गीत गवाए पाठशाला जब जा जा, जा तो हमें के पहला जो पन्ना जैसे लौदवाज लिखे ला जा तहीं से गीत गवाई शुरू हो जाला। अहम बात है माँ, माँ के पेट में जब बाबा रहा तब भी से गीत गवाई शुरू हो गल बा। लोरी हौजे से आल बा पाठशाला के पहला दिन गीत गवाई के माध्यम से चलेला। शादी गीत गवाई न रही तो फीका हो जाए, कोई गुजर जाला सब बद होवेला। हर एगो जीवन के हर एगो पड़ाव में गीत गवाई, गीत गवाई अगर शादी में जब जाए राजा तो मैं कि अहम बात रहेला तिलक दुल्हा के छोकरे के बाप माँ जालन भाई जालन तिलक चढ़ाए कि हमर द्वार में अया काल शान और बहुत शौकत से तोहर शादी करब जा, तू आज के लिए भगवान हवा। ई गीत गवाई बोलेला। फिर हरदी पहला हरदी चढ़ेला तो कुंवर पर उतर जाला हो जे। फिर शादी, शादी के बाद चौथारी, फिर ऐसे जीवन चले चलावेला। लेकिन गीत गवाई के दिन शुक्रवार के जो पहला हमें के कार्यक्रम रहला में वह धरती बंधाई कि जहाँ शादी हुआ था वो घर वो धरती में देवी देवता के वास करियन कि जो लड़की या लड़का शादी करता है उनका जीवन विवाहित जीवन बहुत अच्छा से गुजरी। अगर कहीं भी संकट रही तो तू सहाय रहिया भगवान इसे ही धरती बंधी राजा। तो सबसे पहले चली जाए कोई धरती बंधाई में धरती बांधल यानी कि जितना बुजुर्ग बा सबके से आज्ञा मांगेलन प्रणाम करेलन कि तोहरे भरोसा हमने गीत गावत है जा। गुड़ा तोहर लागिला धरती हो मैया, गुड़ा तोहर लागिला धरती हो मैया, गीत बज गैया हमारो के दान गे मै, गीत बज गैया हमारो के दान गे मै, गीत बज गए तार बंदो धरती ऊपर या समान के, तार बंदो जहाँ शादी में गले जा उनकर पूरा परिवार का आशीर्वाद दे रहा जा। पूरा परिवार जो जो बलेले हवन जा आस पड़ोस सभी को लेकर पूजिला माता हो पूजिला भवानी ले ला धरती माई के नाम हो तोहरे भरोसे मैया
जगह मरो पीला से उ जगह पूरा न हो से उ जगह पूरा न हो पूजिला माता हो पूजिला भवानी लेला सूर्य बाबा ने आमाओ लेला ब्रह्मा विष्णु नामाओ तोहरे भरोसे मैया जगह मरो पीर से उ जगह पूरा न हो से उ जग पूजिला माता हो पूजिला भवानी लेला बड़े जेठा नामाओ लेला भूले चूके नामाओ तोहरे भरोसे मैया जगह मरो पीला से उ जगह पूरा न हो से उ जगह पूरा न हो बरे जेठा मतलब हमार बर जना जो नए हवन जा उ लोग भी याद होला भूले चुके माने कि नेवता देख देवत बकत कोई के भुला जाएला जा उनकरा भी याद करेला जा ऐसे ऐसे सबसे पहला दाम्पत्य जीवन यानी कि पार्वती और शिव जी के नाम ले लिया जा गाय के गोबर महादेव अंगना लिपाय गजमोतिया हो महादेव चौका पुराय सुनो ए शिव शिव के दोहाय सुनो ए शिव से ही चौका बैसेलन महादेव गैले अलसाय बहिया लफाय गौरा देहे देहले जगाय सुनो ए शिव शिव के दोहाय सुनो ए शिव बाबा मोरे सभा हो बैसेलन अम्मा मोरे मछिया भैया मोरे पासा हो खेले भौजी रसोइया शिव भौजी रसोइया सुनो ए शिव शिव के दोहाय सुनो ए शिव सुनो ए शिव माने कि गीत गवाई ओ बांधेला पूरा परिवार पति पत्नी दादा दादी भाई भाभी सब कोई के लेके एगो परिवार होला यह गीत गवाई और गीत गवाई वही से अभी तक चलेला सबसे अहम बात हमें के आम के पल्लाओ बोली राजा मरते जीते में भी राम मरते में भी राम जीते में भी आम के पत्ता मरने के बाद भी आम के पत्ता है ना धावा हो ठाकुर हो धावा हो बढ़िया धावल अयोध्या में जाया हो ओही अयोध्या में सुने के हरिशवा धाय हरिश ले ले आए धाव हरिश ले ले आए कहेला न राम जी हो सुनो पिता दशरथ सुनो अरज हमारा हो सोने के हरिश मनुष्य कहाँ पयन
अमके हरिश ले ले आय, अमके हरिश ले ले आय। शादी में अहम बात हमें के हरिश, हरिश। तब राजा दशरथ बलवान जाके अयोध्या से जाके स्वर्ग से सोना के हरिश लेके आवा। तो राम भगवान बोले लन पिताजी से कि पिताजी इ दुनिया में इ धरती में की सकी जाए स्वर्ग, स्वर्ग के अगर स्वर्ग में सोना के हरिश बा तो धरती में हमें कि आम के पेड़ बा, आम के पत्ता से दार से हम एक सकब जा हरिश बनाए। आम के पत्ता आम के दार उभले सोना नहीं है लेकिन सोना के जैसे माने ला जा, यह आम के हरिश। अब चली जा तनी झूमे साथ में सब कोई हमनी आवाजा। हरली में हरली हो, हरली में हरली हो, नाकों के पुलिया। हरली में हरली हो, नाकों के पुलिया। मैं हार गई हो नगीना ऐसन पिया हुआ, हार गई हो नगीना ऐसन पिया हुआ, हार गई हो नगीना छोटे जा।